मैंने सब भगवान जितने भी मैं जानती थी सबके नाम लिए, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियन के, सिख के, चाइनीज, बुद्धिस्ट, जैन, और कहा कि अगर इनमें से कोई भी आप हो तो आओ और आकर अपने आप को मुझे दिखाओ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो यू। ऐसा पहली बार नहीं है कि वंदना कोई जवाब पाने के लिए बेताब है। वो सदा से ही सत्य को तलाशती रही है। मैं बचपन से एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमें हमेशा यही शिक्षा दी गई कि अच्छे काम करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबके साथ प्यार से बात करना है। पर अंदर से एक आवाज़ आती थी कि कुछ और है, कुछ और भी है, देयर इज़ समथिंग मोर टू लाइफ, देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। और मेरे अंदर एक सच को जानने की इच्छा थी कि वो सच क्या है। वंदना सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया करती थी और अमूमन अनेक पवित्र स्थानों पर भी जाया करती थी, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट ही रहती थी। मैं शीशे के आगे खड़े होकर सवाल पूछती थी कि व्हाट इज दिस गर्ल ऑल अबाउट, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, मैं मेरा इस जीवन में मेरा क्या महत्व है, मैं किस लिए बनाई गई हूँ, क्या करूँगी मैं इस जीवन से, मरने के बाद क्या होगा। रात को जब घर में हर कोई सो जाता था तो वंदना अपने सृजनकर्ता को गुहार लगाया करती थी। तो जब मेरे घर में सब सो जाते थे तो रात को 12-1 बजे के टाइम पर मैं मंदिर में जाकर बैठ जाती थी और वहाँ बहुत से तस्वीरें होती थी, बहुत से देवी देवता होते थे जिनकी को मैं पूजा करती थी, और मैं बोलती थी कि आज आप मुझसे मिलें प्रभु, आज आप मुझसे मिलें परमेश्वर, अपने दर्शन दें मुझे, आए मेरे सपने में आए। लेकिन उनके मन में खालीपन बना ही रहता था। हर इंसान के अंदर एक ऐसा दर्द होता है कि वो अपने क्रिएटर को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन दैट देयर कैन नेवर बी अ डिफरेंट गॉड फॉर अ डिफरेंट कंट्री, देयर हैज़ टू बी वन सुप्रीम पावर। इवन दो लोग बोलते थे रास्ते कई हैं, रास्ते कई कैसे हो सकते हैं, रास्ता एक ही होना चाहिए, और क्यों है रास्ते कई, और सवाल थे कि खत्म ही नहीं होते थे। मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी समथिंग। देन आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस दैट गॉड आई डोंट नो यू बिकॉज़ देयर आर सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट आई नो अबाउट। साल गुजरते गए लेकिन वंदना को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनका भ्रम बढ़ता ही गया। आई वॉज बैटलिंग इनसाइड माई हार्ट, आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, वो प्रभु कौन है, अगर वो है तो कोई वो एक है, वो इतने सारे नहीं है, वो इतनी सारी चीज़ों में नहीं है, वो क्रिएशन में नहीं है, वो क्रिएटर है। एक रात जब वंदना अपने बिस्तर पर अकेली और हताश सी बैठी थी तो उनके सवालों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। असली भगवान कौन है, दैट गॉड कम एंड रिवील योरसेल्फ टू मी, कि आप आए और आकर मुझे अपने आप को दिखाएं, मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने सब भगवान जितने भी मैं जानती थी सबके नाम लिए, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियन के, सिख के, चाइनीज, बुद्धिस्ट, जैन, और कहा कि अगर इनमें से कोई भी आप हो तो आओ और आकर अपने आप को मुझे दिखाओ, मैं आपको जानना चाहती हूँ, नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो यू। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया, टू माय सरप्राइज आई सॉ अ बिग बर्निंग ब्लेजिंग क्रॉस ऑन फायर, दैट इज ऑल आई सॉ। एंड व्हेन आई सॉ दैट क्रॉस देयर वाज समथिंग सो प्योर एंड होली अबाउट दैट क्रॉस, तो मुझे लगा वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे लगा उसमें कुछ प्योरिटी है, उसमें कुछ होलीनेस है, उसमें कुछ ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है और मुझे कह रही है मैं ही सत्य हूँ। उसके अगले दिन वंदना को एक फोन आया जिसकी उन्हें कतई कोई उम्मीद नहीं थी। ये फोन उनके स्कूल के एक मित्र का था जो एक ईसाई था। 2.5 साल के बाद एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन मुझे क्रॉस दिखता है, अगले दिन शाम को इस दोस्त का फोन आता है और मैं महसूस कर पाती हूँ कि कुछ बात है जिसके लिए इसका फोन आया, कुछ सुपरनैचुरल चीज है जो चल रही है मेरी लाइफ में जिसलिए कल रात को मुझे क्रॉस दिखा, और आज के दिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि इस क्रिश्चियन फ्रेंड का कॉल आया। मैंने उन्हें बताया विदुष ऐसा ऐसा हुआ कल मेरे साथ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वंदना गॉड इज नॉकिंग एट योर हार्ट्स डोर एंड यू आर नॉट लेटिंग हिम कम इन, मतलब परमेश्वर तुम्हारे हार्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और तुम उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हो,
और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि कोई है जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मुझे बुला रहा है और मैं खुद उसके लिए दरवाजा बंद कर रही हूँ और मैं उसे आने नहीं दे रही हूँ। वंदना जानती थी कि वो अपने हृदय में जो कुछ भी महसूस कर रही हैं, वो महज एक इत्तफाक नहीं है। पहली बार एक परमेश्वर ने उनके सवालों के उत्तर देने की कोशिश की थी। अब उन्हें इस परमेश्वर के बारे में और जानने की इच्छा हुई और उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। और मुझे ऐसा लगा कि ये बुक किधर थी, इतने सालों से ये कहाँ खोई हुई थी, क्योंकि इसमें इतनी सच्चाई थी कि जहाँ मुझे जरूरत है, ये बिल्कुल उसी जरूरत की घड़ी में मुझसे वही बातें कर रही है। आज वंदना कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कामयाब करियर रखती हैं और जिस खूबसूरत सत्य को उन्होंने खोजा है उसे अपने आसपास के लोगों के साथ बांटने का कोई भी अवसर गंवाती नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे दी है परमेश्वर ने वो मैं दूसरों को दूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सुंदर है, कुछ इतना अच्छा है जो मुझे हमेशा खुश रखता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई जीवन प्रॉमिस नहीं किया कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स सबके जीवन में आते हैं, पर एक ऐसा जीवन है कि हम उसको बोल्डली फेस कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं एवरी सिचुएशन। हम उसको गॉड की स्ट्रेंथ से और उसकी ग्रेस से फेस कर पाते हैं।